हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ बनाया नहीं। एक्चुअली अभी मैं बाहर थी तो खाना वगैरह कुछ नहीं बना रही थी, तो अभी एक दो दिन पहले ही वापस आई हूँ। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो कुछ ऐसा, फ्रिज में ना बहुत सारी चाशनी इकट्ठी हो गई है, जैसे रसगुल्ले आते हैं, छेने आते हैं हमारे यहाँ। तो जो सफ़ेद रसगुल्ला होता है हमारे यहाँ, उसको छेना बोलते हैं। तो उसकी चाशनी बहुत सारी इकट्ठी हो गई, क्योंकि हम लोग रसगुल्ले तो खा लेते हैं पर चाशनी नहीं पीते हैं, तो उसको वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने एक डिब्बा भर के चाशनी इकट्ठी कर रखी है। तो सोच रही हूँ अब इसका क्या करूँ, वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो सोच, चलो कुछ उसी का कुछ बनाते हैं। और आप लोग भी देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या बन के तैयार हुआ है। कोशिश कर रही हूँ कि चाशनी का यूज़ हो जाए और कुछ टेस्टी सी चीज़ भी बन जाए। तो चलिए देखते हैं क्या बनाऊंगी मैं। तो देखिए मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है। देखिए क्या बन के तैयार होता है, कोशिश कर रही हूँ। पहली बार मैं चाशनी से बना रही हूँ। देखिए मैंने क्या लिया है इसके लिए, ये आटा लिया है, गेहूँ का आटा है। इसको छाना नहीं है, चोकर सहित है और साफ सुथरा आटा है। और आटे ये में मिलाने के लिए थोड़ा सा रवा लिया है, सेमोलिना। सेमोलिना आप मतलब आटे का 1/3 लीजिए। से मैंने ये 1 कटोरी रवा लिया है, तो 3 कटोरी आटा है। और ये सब कुछ मैंने अपनी चाशनी के हिसाब से लिया है। ये देखिए मेरी चाशनी इतनी सारी ये इकट्ठी हो गई थी, स्पंज और रसगुल्ले की सारी मिक्स कर दी है मैंने। ये चाशनी लगभग बड़ा कप होगी, 1 बड़ा कप। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, ये तो ऑप्शनल है, आप जो खाना चाहें डाल सकते हैं। किशमिश है, खरबूजे की मिगी है, चिरौंजी है, और ये थोड़ी सी गरी है। इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, पर छोटी छोटी ही चॉप करना। और ये देखिए आलमंड्स हैं, बादाम, इनको भी मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। और अभी इन सबको मैं मिक्स करूँगी। और इसमें एक इंग्रेडिएंट्स है वो ज़रूर डालें, जिससे इसमें जान आ जाती है, स्वाद आ जाता है बहुत अच्छा। क्या डालें? इलायची ज़रूर डालें। अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं इसमें इलायची भी डालूँगी। थोड़ा सा कूट के 4-5 इलायची डाल दीजिए, तो इससे अच्छी फ्लेवर आ जाती है और बहुत टेस्टी बनेंगे। क्या बनेंगे ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इन सबको पहले मिक्स कर लेती हूँ। क्या करूँगी, बनाऊँगी तो आपके सामने ही। ये देखिए आटा है, ये लगभग ये 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये तो खाने के ऊपर, कितना खा सकते हैं आप बना लें। ये लीजिए 1 कटोरी, इसमें मैंने सूजी मिला दी। सूजी से क्या है, थोड़े से कुरकुरे बनेंगे। अब मैं बता ही देती हूँ क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पुआ। हमारे यहाँ इसको पुआ बोलते हैं, कुछ लोग मालपुआ बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है ये मुझे नहीं पता है, कमेंट करके बताइए आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। अभी तक मैंने शक्कर से बनाए हैं, जैसे इसमें शक्कर डालती थी फिर पानी डाल के इसका घोल तैयार करती थी। अब इस बार देखती हूँ चाशनी से कैसे बन के आते हैं। एक तो चाशनी का यूज हो जाएगा और एक नई ट्रिक भी आ जाएगी इससे। अब आज के पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया, चाशनी फेंक देती थी, वेस्ट हो जाती थी, कोई खाता नहीं था चाशनी। इस बार मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज किया जाए, तो इस बार मैं चाशनी का पुआ बनाने जा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें ऐसे करके इसमें मिक्स कर लेंगे। ये चाहे ड्राई फ्रूट्स बाद में डालें, चाशनी को डाल के मैं इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। चाशनी पड़ गई है और अब इसमें पानी की जरूरत है, पानी भी पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि चाशनी ही काफ़ी हो जाएगी, पानी नहीं पड़ेगा, पर इसमें पानी पड़ेगा। अभी लगभग 1 कप पानी इसमें पड़ जाएगा। ये देखिए मैंने हाथ से तैयार किया है, क्योंकि जितना अच्छा हाथ से घोल तैयार होगा स्पून से नहीं होगा। देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखी है, ऐसे ही रखनी है, रनी रनी होना चाहिए। ज़्यादा भी जैसे पकौड़ी के लिए बेसन घोलते हैं, उससे थोड़ा सा कम पानी डालें, इस तरह का बना लें घोल। और अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि इसमें सूजी डाली है ना,
डालूंगी। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए और देखिए मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप जो चाहें वो डालें, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा कट करके ही डालें। और अब इसको मैं ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। अभी हम थोड़ी देर हाई फ्लेम पर इसको सिकने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने चाशनी यूज कर ली है, एक ही नहीं इस बार, और देखते हैं कैसे बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम पलट देंगे। ऐसे लग तो रहा है अच्छे ही बनेंगे, क्योंकि वैसे हम शक्कर डालते हैं, पानी डालते हैं, उसमें चाशनी तैयार थी, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। पर हमने ये सीखा है आज वीडियो से कि हम चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ बचा हुआ है तो हम उसको कहाँ यूज़ करें कैसे। तो ये भी एक क्रिएटिविटी होती है जो हर किचन में काम करने वाले को आनी चाहिए। और इस समय खाने वाले लोग भी हैं घर पे, तो बनाने में भी अच्छा लग रहा है। गैस की फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें। आपको अगर लग रहा है कि गैस हाई है, थोड़ी देर तो हाई करनी पड़ेगी जिससे ये फूल जाए, फिर उसके बाद आप फिर स्लो कर दीजिए। ये तो मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, आप अपने कुएं के हिसाब से। देखिए जले भी ना और कच्चे भी ना रहें, तो धीमी धीमी गैस पर सिकेंगे तो कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो अब हम इसको फिर से स्लो कर देंगे। रखते पलटते हुए सेक लेंगे। और अभी भी गैस स्लो ही है, मैंने हाई नहीं की है, क्योंकि करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना आप स्लो में बनाएंगे उतना अच्छे से अंदर से सिक जाएगा। ये पुए हमारे यहाँ ट्रेडिशनल डिश है। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी बनाती थी, जब बच्चों का किसी का बर्थडे होता था तो ये पुए घर में ज़रूर बनते थे। मतलब एक क्या कहना चाहिए उसको, ट्रेडिशनल डिश है। और बहुत ही जब कोई शुभ मंगल काम होता था घर में, तो मंगल काम होता था तो ये इसी से शुरुआत होती थी, पहली मिठाई यही बनती थी। अब हम इनको निकाल लेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। देख लीजिए यही कलर रखना है, फिर वो जले जले लगेंगे। इन पूरी प्रक्रिया में मैंने बस एक बार गैस को हाई फ्लेम पर किया था, ताकि स्लो गैस पर ही बनाए। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई प्लेटिंग। अभी मैंने पूरा घोल नहीं बनाया है, सिर्फ अभी थोड़ा सा बनाया है। मैं बनाऊंगी बाद में, इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकती ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बने होंगे। चलो खा के बताती हूँ। ये देखिए अंदर से अच्छा है, बढ़िया सिका हुआ है। बस ध्यान रखिएगा फ्लेम जो है एक बार हाई करने के बाद स्लो कर लें। बहुत गर्म है और शक्कर बिल्कुल ठीक है। जो हल्का खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी बने हैं।
बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ मैं, मीठा बहुत कम खाती हूँ। अगर आपको मेरा ये चाशनी का यूज कैसा लगा है और ये डिश कैसी लगी है, टाइम पास है तो स्नैक्स के टाइम सुबह नाश्ते में या शाम को नाश्ते में बना सकते हैं, तो आपको मेरी डिश कैसी लगी, चाशनी का यूज कैसा लगा, मेरी बकवास कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए प्लीज़ कमेंट करते रहिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।